बाहर निकले और काम करें और बहन बेटियों को आगे, मतलब सबसे ज्यादा मैं माँ को बोलती हूँ भी, जो बेटी की माँ होती है वो एक सहेली की तरह होती है, वो हर बेटी से मतलब हर बात कर सकती है। आप ये मत सोचो कि ये मेरी बेटी है तो मैं इस बेटी से क्या बात करूँ, अपनी बेटी है चाहे बेटा है, दोनों को मतलब समान अधिकार मिला है, तो चाहे बेटी है चाहे बेटा, दोनों को इस ढंग से समझाओ कि वो कोई गलत रास्ते पे ना चले। हम बेटी बेटी को ये सोचते रहते हैं कि ये बेटी है इसको बाहर मत जाने दो, ये मत करने दो, बेटी बेटी को मतलब आज़ादी भी देते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बेटी को ज़्यादा आज़ादी भी मत दो और ज़्यादा कंट्रोल भी मत करो, हिसाब से रखो। माँ की जिम्मेवारी होती है भी बेटी को सही ढंग से, बेटी किस तरीके से जाती है, किस तरीके से आती है और कहाँ जाती है कहाँ आती है, सारा नॉलेज माँ को सब कुछ होता है, ये नहीं है कि माँ को कुछ पता नहीं होता है। चाहे बेटा है तो बेटे को भी इसी तरीके से समझाओ। अब आज हम हैं तो पूरे मतलब पूरे राजस्थान में घूमते हैं, हमारा भी बच्चा है, बच्चे हैं, बच्ची है, हमारा भी तो परिवार है, हम भी तो देखो बाहर निकलते हैं, हमारे को भी तो डर होता है हर किसी का भी, क्योंकि हम लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे को भी तो डर रहता है, किसी के मारने का भी डर रहता है, हमारे को भी तो ये सब, लेकिन हमें हमारे अंदर एक जज्बा है भी कोई हमारी तरफ आंख उठा के एक बार दिखा दे। और आप जो भी कोई बहन बेटियों पे विपत्त आती है तो डरो मत, उसका सामना करोगे ना तभी हम सुरक्षित हैं। अगर आज हम डर के घर में बैठ गए ना तो आज एक बहन पे बीतती अकल दूसरी बहन पे भी बीतेगी। मैं तो यही कहना चाहती हूँ मातृ शक्तियों से कि हम भी आपकी तरह एक बहन बेटी है और आज हम पूरे राज्य है ना, तो उसको पकड़ो उस लड़के को और सभी बहनें मिलके उसको इस तरह पिटो कि वो दोबारा आंख उठा के भी नहीं देखे। खुद के अंदर एक जज्बा रखो, बाहर निकलो तब डरने वाली कोई बात इतनी क्या उस लड़के की औकात होती है जो कोई बहन बेटी के साथ अत्याचार कर दे। खुद हम खुद अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्यों आज हमारे परिवार पे इतनी विपदाएं आती है, क्यों आती है, किस वजह से आती है, क्योंकि हम के हमारे अंदर एक जज्बा नहीं है। जब नारी अपना रूप दिखाती है ना तो वो एक शेरनी की तरह दहाड़ भी सकती है, नारी के अनेक रूप है, कोई एक रूप नहीं है, नारी डर भी सकती है, घर परिवार भी मतलब संभाल सकती है और लड़ाई भी लड़ सकती है। झांसी की रानी वो भी एक लेडीज थी जिसने आज देखो कितनी लड़ाई लड़ी थी, तो उसी झांसी की रानी की तरह हमें बनना है और अपने समाज और जो भी जितनी भी बहन बेटियां उन सबको आगे लेके आना है। आज हम बोल देते हैं भी इस बहन बेटी के साथ ये हुआ है, हमें इसको पढ़ाए क्यों, तो ये इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बहन बेटी के अंदर जज्बा बेहतर करो, आज एक बहन बेटी में होती है तो सभी संगठित हो। आज चाहे मैं तो ये कहना चाहती हूँ आज इन भाई साहब पे आज ये विपदा आई है तो आज पूरे जो इस गांव के है लोग सभी समाज के जितने भी समाज है यहाँ पे चाहे किसी भी बिरादरी के सभी एक होके और उन सब का ना एक बार आप मुकाबला कर लो तो उनकी औकात है क्या जो और बहन बेटियों को वो कोई सामने आंख उठा के भी देख ले। खुद ये बहन बेटी मैं तो ये कहना चाहती हूँ जिस बेटी के साथ ये विपद आई है ना तो वो खुद लड़कियों को इकट्ठा करे और उस लड़के को उसकी औकात दिखा दे, तब तो है बात होगी और उनको भी पता चल जाएगा वास्तव में बहन बेटियां हैं। तो मैं तो ये इतने कहना चाहती हूँ कि हम घर तक सीमित नहीं है, खुद की लड़ाई हमें लड़ना होगा। आज चाहे 2 साल की बेटी है, 4 साल की बेटी है, चाहे 10 साल की बेटी है, आज कोई सुरक्षित नहीं है। आज चाहे बुजुर्ग महिला है ना तो भी सुरक्षित नहीं है। और हमें खुद अपने आप में एक जज्बा ऐसा पैदा करना होगा और सबको औकात दिखानी शुरू करनी पड़ेगी, तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे। धन्यवाद।